टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन ज़ीरो। प्लस फाइव सेकेंड्स। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग P3 ट्रैकिंग। मैग्निफिसेंट लिफ्ट ऑफ ऑफ PSLV C57 विद आदित्य L1 ऑन बोर्ड। प्लस 15 सेकंड्स। PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Rocket launches more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons, operating together with the first stage S-139. Ground lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लेड स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है, स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। प्लस 2 मिनट्स। द्वितीय चरण जो कि तरल लोधक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated, second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। शार एंड पोर्ट ब्लेयर ट्रैकिंग स्टेशंस प्रेजेंटली एक्वायरिंग सिग्नल्स, फ्लाइट पाथ क्लोजली मैचिंग द प्रेडिक्शन। प्लस 3 मिनट्स। वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। द वेलोसिटी एडिशन इन PS2 रेजिम इज गोइंग टू बी फ्रॉम 2 किलोमीटर पर सेकंड टू 4.9 किलोमीटर पर सेकंड। पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड। The payload fairing covering the Aditya L1 spacecraft has been separated. The current altitude of the launch vehicle is 118 kilometers. Relative velocity exceeding 3.8 kilometers per second. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन काल समाप्त होने पर normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसे इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है।